इतिहास के पन्नों में हर दिन किसी न किसी खास घटना से जुड़ा होता है। ऐसे में 12 मार्च के दिन भी कई बड़ी घटनाओं ने देश और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। आज के दिन 1930 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा शुरू की थी। इस मार्च के जरिए बापू ने अंग्रेजों के बनाए नमक कानून को तोड़कर उस सत्ता को चुनौती दी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता। देश दुनिया के इतिहास में 12 मार्च की तारीख पर दर्ज अन्य प्रमुख घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। आज के दिन 1664 में ब्रिटेन ने न्यू जर्सी को नीदरलैंड से अपने कब्जे में लेकर उपनगर घोषित किया था। 1755 में आज ही के दिन अमेरिका में भाप के पहले इंजन का इस्तेमाल खदान से पानी निकालने के लिए किया गया था। ब्रिटिश रसायनज्ञ सर विलियम हेनरी पर्किन का जन्म आज ही के दिन 1838 में हुआ था। आज ही के दिन 1872 में लॉर्ड मायो को मौत के घाट उतारने वाले शेर अली को फांसी पर लटकाया गया था। भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ यशवंत राय चौहान का जन्म आज ही के दिन 1913 में हुआ था। आज ही के दिन 1922 में महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। 1928 में आज ही के दिन कैलिफोर्निया में बने सेंट फ्रांसिस डैम के टूट जाने से आई बाढ़ के कारण 600 लोगों की जान चली गई थी। आज ही के दिन 1930 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह के लिए अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से अपनी दांडी यात्रा शुरू की थी। 1938 में आज ही के दिन जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर हमला किया था। आज ही के दिन 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सैनिकों ने अंडमान द्वीप खाली किया था। 1954 में आज ही के दिन भारत सरकार ने साहित्य अकादमी की स्थापना की थी। मध्यकालीन संत और साहित्य के मर्मज्ञ समीक्षक क्षितिज मोहन सेन का निधन आज ही के दिन 1960 में हुआ था। आज ही के दिन 1967 में इंदिरा गांधी दूसरी बार देश की प्रधानमंत्री बनी थी। 1970 में आज ही के दिन अमेरिका में मतदान की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। बॉलीवुड सिंगर श्रेया घोषाल का जन्म आज ही के दिन 1984 में हुआ था। आज ही के दिन 1993 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में सैकड़ों लोग हताहत हुए थे। 20वीं सदी के प्रसिद्ध वायलिन वादक यहूदी मैनुहिन का निधन आज ही के दिन 1999 में हुआ था। आज ही के दिन 2003 में सर्बिया के प्रधानमंत्री जोरान जिनजिव की बेलग्रेड में हत्या की गई थी। 2006 में आज ही के दिन इराक में सद्दाम हुसैन के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई प्रारंभ हुई थी। रूस में विश्व की सबसे लंबी आयु की महिला समझी जाने वाली वारवा सेमेनिकोवा का निधन आज ही के दिन 2008 में 117 वर्ष की उम्र में हुआ था। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।